एक्सप्लोर दूंगा, सड़ने वालों की कब्रें मैं खुद खोद दूंगा, बेटे मेरी बारी आन दे मैं। ऑनलाइन कोचिंग से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में हजारों रुपए लगाने के बाद भी वो क्वालिटी ही नहीं मिलती है जो हम सोच के आए थे। कॉमर्स बाबा 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट रहा और अगस्त 2019 में कॉमर्स बाबा ने पहली बार मेंबरशिप निकाली एंड बिलीव मी लोग पागल हो गए। भयंकर गालियां पड़ी भाई, भयंकर गालियां पड़ी। मतलब लोगों ने तो यहां तक कह दिया तुम्हारा कमाने का हक क्या है, और मैं लिटरली बता दूं YouTube doesn't pay you shit, नहीं कुछ पे करता है ऐसा जो तुम लोग सोच के चल रहे हो, स्पेशली अगर तुम एजुकेशनल चैनल चला रहे हो। खैर वो बात अलग है, लेकिन जब ये मतलब लोगों की भीड़ छटी, हेटर्स की भीड़ छटी, तब मेरा दिमाग चलना चालू हुआ कि नहीं, देयर आर स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बाबा से पढ़ रहे थे, डेडिकेटेड थे और कॉमर्स बाबा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि यार इतना कुछ देना है इन बच्चों को कि ये सोचें कि जो भी पैसा इन्हें इन्वेस्ट किया इससे कहीं गुना ज़्यादा मिला। और तब बारी आई वॉरियर्स और गॉड लेवल मेंबर्स की, एंड बिलीव मी पढ़ाई तो हमने की, लेकिन उसके साथ साथ जो कम्युनिटी बिल्डअप की, जो व्हाट्सएप पे 24 घंटे लगे रहते थे यार, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर डाउट सॉल्व हो रहे हैं, सबके सब लगे हुए हैं, मॉडरेटर्स लगे हुए हैं, अलग ही फीलिंग थी। एक एक्सपीरियंस बन गया जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिला। और शायद ये वीडियो आज इसलिए है, कोई मार्केटिंग फंडा नहीं है और भैया ना ही हम कोई ऐसे प्रोफेशनल है, हम 3-4 लोगों की टीम है जो ये सब संभालती है और हम एक चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, किसी भी बच्चे को एक्सप्लॉयटेड फील नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि एक प्रीमियम एजुकेशन के लिए प्रीमियम पैसा खर्च करने की जरूरत है। सिर्फ इसी मोटिव से हम लोगों ने 2019 में मेंबरशिप चालू की और वो बहुत सक्सेसफुल हुई। हमने रिलेशंस बनाए, हमने दोस्त बनाए, हमने कम्युनिटी डेवलप की, उन्हीं की कुछ क्लिप्स तुम्हारे लिए हैं। Commerce Baba, it's not just a community, it's a family of more than 4 lakh people, and I am a member of this family. So here I am to share my experience of Commerce Baba family. Pehli dafa to wo ek aam sa channel laga tha. Par commerce ki duniya mein ek alag pehchan rakha tha. Yun to hum kai channelon par bhatke. पर उनके जैसा साथ हमें कहीं ना मिला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी चैनल की जिसका नाम कॉमर्स बाबा था। जब कभी स्कूल के टीचर की बात ना समझ आए, और रात के 2 बजे एग्जाम का डर सताए, तो किसी के लिए वो बड़े भाई तो किसी के लिए वो गुरु बन जाए। नाम है उनका आशीष चौधरी, जो उस वक्त हमारे बाबा जी कहलाए। जब आए उनके वो 2 अनमोल रत्न, जो किसी के भाई तो किसी के यार बन जाए। जब आशीष सर उपलब्ध ना हो तो प्रकाश सर और जय सर उपस्थित हो जाए। इस सफर की शुरुआत अगस्त से हुई हमारी एक परिवार से मुलाकात हुई। दोस्तों का साथ कुछ ऐसा मिला कि कईयों को देख तो जन्म पुराना रिश्ता लगा। हर वक्त बस पढ़ाई का माहौल रहा। आशीष सर का साथ तो हमेशा रहा। उनकी बातें कुछ इस तरह रहीं कि हर जगह बस कॉमर्स बाबा ही छा गया। लाइव सेशन की क्लासेस का हर वक्त हमें इंतजार रहता था। सर से कब बात होगी, बस यही सवाल रहता था। उस 2 दिन के इंतजार को वो पल भर में मिटा दी थे। उनकी 2 मिनट बातों से तो हम चांद की तरह चमक जाते। शुक्रिया उस शख्स को जिन्होंने ये सब आसान किया। कभी अकाउंट्स की प्रॉब्लम तो कभी BST की केस स्टडी सॉल्व किया। कुछ ऐसी शिक्षा दी हमें कि सब कुछ आसान सा लगने लगा। क्या हुआ अगर ट्वेल्थ खत्म हुआ, क्या हुआ अगर हम दूर हैं, साथ तो हमेशा रहेगा ना उन लोगों का।
साथ तो हमेशा रहेगा ना उन लोगों का जो हमारे परिवार हैं। थैंक यू आशीष सर फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल एंड इटर्नल फैमिली, फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग एजुकेशन, फॉर गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अस। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है क्यों, रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकते जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया।